नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन की बड़ी खबरों के साथ। आज की खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भारत और कनाडा के संबंधों में क्यों आई तल्खी, जिसके बाद भारत ने क्या बड़ा कदम उठाया, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कही क्या बड़ी बात, फिर बात करेंगे महिला आरक्षण बिल अभी पास नहीं हुआ, शुरू हो गई सियासत। लेकिन खबरनामे के अंत में बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब क्या सिखाने की है तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तो यूपी में क्या होगा बदलाव। लोकसभा में फाड़ कर फेंका गया था महिला आरक्षण बिल, ममता बनर्जी ने क्यों पकड़ा था सपा नेता का कॉलर। कांग्रेस और बसपा में पक रही अलग ही खिचड़ी, क्या सपा को देगी झटका। तो इंडिया पर दबाव बना रहे हैं जयंत चौधरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसको बताया मां यशोदा का रूप। मंगलवार को सीतापुर में एक साथ हुई मंडलायुक्त और एडीजी की आमद, हलकान रहा पुलिस और प्रशासन। सीतापुर में ब्लॉकों पर दिव्यांग आवास योजना के लाभार्थियों को दिए गए स्वीकृति प्रमाण पत्र। आई इंडिया की खबर का असर, लखीमपुर की एरा गन्ना समिति के किसी काउंटर पर नहीं दिखी खाद। आज के खबरनामे की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। भारत में खलिस्तान आंदोलन पर सख्ती के बाद कनाडा इस मुहिम को चलाने वालों के लिए पसंदीदा देश बना हुआ है। आए दिन खलिस्तान आंदोलन को भड़काने वाले बयान कनाडा स्थित इसके समर्थकों की ओर से आते रहते हैं। भारत सरकार कनाडा सरकार से इन्हें रोकने का आग्रह करती रहती है, लेकिन कभी भी कनाडा सरकार इस मामले पर गंभीर नजर नहीं आई। भारत सरकार द्वारा खलिस्तानी आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अब दोनों देशों के रिश्ते कटुता के स्तर पर आ गए हैं। भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को देश से निकाल दिया है। बता दें, निज्जर की हत्या 18 जून को कोलंबिया के सरे शहर में कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर छिड़े विवाद के बीच मंगलवार 19 सितंबर की सुबह भारतीय विदेश मंत्रालय कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर उनके एक राजनयिक को निकाले जाने का फैसला सुना दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामले में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। अब बात देश के लिए बड़ी खबर की। मंगलवार को देश की नई संसद में विधिवत कामकाज शुरू हो गया है। विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई नई संसद में हुई। इसके लिए पीएम मोदी सहित सभी सांसद पदयात्रा करते हुए संसद पहुंचे। सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भवन बदला है, मैं चाहूंगा कि भाव भी बदलना चाहिए और भावना भी बदलनी चाहिए। पीएम ने भाजपा का ट्रंप कार्ड माने जा रहे महिला आरक्षण को लेकर कहा कि हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पीएम ने सभी माताओं, बहनों और बेटियों को बधाई देते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख भारत के इतिहास में अमर हो गई है, ये महिलाओं के लिए इतिहास बनाने का वक्त है। पीएम ने कहा कि कई बार महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, लेकिन ईश्वर ने कई पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इसे भाजपा के लिए ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी इससे मिलने वाले फायदे पर नजर गड़ाए हुए है। सोनिया गांधी इसे अपना बता रही हैं। बता दें कि सबसे पहले महिला विधेयक पर बात 1996 में हुई थी। तब प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान किया था। यह बिल पास होने से पहले ही देवगौड़ा सरकार चली गई थी। इसके बाद भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया, लेकिन अटल बिहारी सरकार भी इसे पास नहीं करा पाई। सोनिया गांधी की पहल पर मनमोहन सरकार ने 2010 में इस बिल को राज्यसभा से तो पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने के कारण या फिर अटक गया। 2014 में भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हुए बड़ा मुद्दा बनाया था। आइए बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक से यूपी की महिलाओं को होने वाले लाभ की। वर्तमान में यूपी विधानसभा के 403 सदस्यों में से सिर्फ 48 महिलाएं हैं, यानी निचले सदन में उनकी भागीदारी सिर्फ 12% है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए काफ़ी कम है। यूपी के उच्च सदन विधान परिषद में तो महिलाओं की भागीदारी महज 6% है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से केवल 11 महिला सांसद हैं। इस तरह यूपी से लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 14% ही है। महिला आरक्षण विधेयक अगर लागू होता है तो यूपी में लोकसभा की 26 और विधानसभा की 132 सीटें महिलाओं के कोटे में आएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सपा कोटे से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हैरानी हो रही है कि पीएम मोदी ने इस बिल को पेश करने में 10 साल इंतजार क्यों किया, जबकि सभी पार्टियां इसके समर्थन में रही हैं। शायद 2024 इसकी वजह है, लेकिन अगर सरकार ओबीसी महिलाओं को कोटा मुहैया नहीं कराती है तो बीजेपी 2024 में यूपी में भी हार सकती है। आज जब केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है और इसके पारित होने की बड़ी संभावना है, तब हर पार्टी इसके फायदे की हिस्सेदारी बनने को आतुर है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिला आरक्षण बिल को सदन में फाड़ दिया गया था। यह हाई वोल्टेज ड्रामा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। 12 जुलाई 1998 को आज की TMC प्रमुख ममता बनर्जी और लोकसभा अध्यक्ष रही भाजपा नेत्री सुमित्रा महाजन आदि ने इस बिल को लाने की मांग की थी। जब तत्कालीन कानून मंत्री एम थंबी दुरई संसद में बिल पेश कर रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने उनके हाथ से बिल छीन लिया और उनकी पार्टी के अजीत कुमार मेहता ने बिल और उसकी कॉपियों को फाड़ डाला। इस बिल को लेकर तब इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई थी। इसके बाद दिसंबर महीने में भी इस बिल को लेकर हंगामा हुआ था। सपा के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज जब स्पीकर की कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया था। RJD और सपा ही नहीं, भाजपा के OBC सांसदों ने भी बिल का कड़ा विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव और RJD के रघुवंश प्रसाद ने तो इसे गैरकानूनी बताते हुए खूब प्रदर्शन भी किए थे। क्या यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा उत्तराखंड की बागेश्वर सीट को लेकर सपा के विरुद्ध दिए गए बयान के कोई गंभीर सियासी मायने हैं या फिर यूं ही बयान दे दिया गया है? मौजूदा वक्त यह सवाल यूपी की सियासत को मथानी की तरह मथ रहा है। चर्चा है कि यह बयान बेवजह नहीं है, बल्कि कांग्रेस आला कमान की सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। तर्क दिया जा रहा है कि कांग्रेस सपा से कहीं ज़्यादा बसपा के साथ गठजोड़ करने में रुचि ले रही है। बताते हैं कि इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी और मायावती के बीच पिछले महीने हुई मुलाकात से हो चुकी है। इसके बाद से ही बसपा को इंडिया में लाने के प्रयास अंदर खाने जारी हैं और सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इसकी अधिकृत घोषणा हो सकती है। अगर यह घोषणा होती है तो इंडिया में शामिल सपा इसे कैसे हजम करेगी? क्या गठबंधन में सपा और बसपा सहज रह सकेंगे या फिर सपा कोई और कदम उठाएगी? इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने के लिए इतनी आतुर क्यों है? राजनीति को करीब से जानने वाले इसका जवाब देते हैं। उनका कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तय हुआ था कि विधानसभा की 125 सीटों पर कांग्रेस और 278 सीटों पर बसपा लड़ेगी। अंतिम समय कुछ ऐसा हुआ कि यह समझौता परवान नहीं चढ़ सका था। कांग्रेस यूपी में सपा से ज़्यादा बसपा को तरजीह दे रही है। उसकी एक वजह बसपा का अपना वोट बैंक होना तो है ही, साथ ही एक और वजह है। जानकार बताते हैं कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन का अनुभव कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को अधिक सीटें देने की बात कहते रहे। 145 सीट देने का वादा हुआ, लेकिन कांग्रेस को केवल 105 सीटें दी गईं। उसमें भी 10 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे, लिहाजा कांग्रेस के खाते में केवल 95 सीटें ही आई थी। अब बात छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी की। रालोद मुखिया क्या इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सभी जानते हैं कि केंद्र के सत्ता का रास्ता यूपी से गुजरता है। ऐसे में यूपी की क्षेत्रीय पार्टियां लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम हो जाती हैं। इसे देखते हुए जयंत चौधरी लगातार अपना सियासी किला मजबूत करने में लगे हुए हैं। भाईचारा सम्मेलन का आयोजन इसी दिशा में प्रयास बताया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ में आयोजित भाईचारा सम्मेलन को जयंत चौधरी ने तबीयत खराब होने के हवाला देते हुए स्थगित कर दिया था। जानकार उनके इस फैसले को इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। जानकार अपनी बात के पक्ष में रालोद के भाजपा के साथ जाने को लेकर आए दिन चल रही चर्चाओं को भी रखते हैं। 31 अगस्त को मुंबई में हुई इंडिया की बैठक के दौरान जयंत चौधरी ने 3 दिन रुककर NCP प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत से चर्चा की थी। जानकार इसे भी छोटे चौधरी का बड़ा दांव बता रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका माँ यशोदा की तरह है। यह बात उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम में CM ने 1,359 आंगनबाड़ियों केंद्रों और 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को यूनिफॉर्म की राशि अंतरित की। CM ने इस मौके पर कुपोषित से सुपोषित की श्रेणी में आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुपोषण की किसी एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है।
अब खबरें सीतापुर जनपद से। उपचुनाव में निर्वाचित होने के बाद भी शपथ न दिलाए जाने के कारण अधिकार विहीन होकर घूम रहे प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों को जल्द शपथ दिलाई जाएगी। जिलाधिकारी अनु सिंह ने इसे लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित एलिया, गोंदलम और सकरन और महमूदाबाद के अतिरिक्त सभी बीडीओ को निर्देशित कर दिया है। इस उपचुनाव में प्रधान के 4, सदस्य पंचायत के 1 और सदस्य ग्राम पंचायत के 44 पदों पर प्रतिनिधि चुने गए थे। डीएम ने संबंधित ब्लॉकों के बीडीओ अथवा एडीओ पंचायत को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत और निर्देशित किया। अचानक सीतापुर पहुंचे लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोल्डिया ने एसपी कार्यालय सहित पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस लाइन सभागार में एडीजे ने एसपी, एएसपी और सभी सीओ सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एडीजी ने सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद एडीजी ने पुलिस लाइन में निर्माणाधीन छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की देखरेख कर रहे अवर अभियंता से लागत और निर्माण में लगने वाले समय को लेकर सवाल पूछा तो बताया गया कि यह आवास 150 पुलिसकर्मियों की क्षमता का बन रहा है, जिसमें 4,76,00,000 की लागत स्वीकृत है और यह दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। अपने निरीक्षण के दौरान विभागीय समीक्षा करते हुए एडीजी सीतापुर जनपद पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नजर आए, जिसके लिए उन्होंने एसपी चक्रेश मिश्रा की सराहना भी की। मंगलवार को सीतापुर में पुलिस के साथ प्रशासनिक अफसर भी हलकान रहे। पुलिस कार्यालय में जहां लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोल्डिया निरीक्षण और मातहतों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी समय लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अनु सिंह सहित जिला स्तरीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी। इसके बाद मंडलायुक्त ने जनता की शिकायतों को सुना। सुनवाई के दौरान मंडलायुक्त उस समय भड़क गई जब उनके सामने नालियों से संबंधित कई शिकायतें पहुंची। इसे लेकर उन्होंने सीतापुर पालिका ईओ के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई और ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में मंडलायुक्त के समक्ष 183 शिकायतें पहुंची। इनमें से कई शिकायतों का संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजकर निस्तारण कराया गया। जन सुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद और आपसी झगड़े की पहुंची। इसके अलावा तहसील स्तर पर वरासत और भू अभिलेखों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई। इस पर मंडलायुक्त ने सभी शिकायतों के त्वरित निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया। जन सुनवाई के दौरान आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन द्वारा मंडलायुक्त को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं से जुड़े 5 बिंदुओं को उल्लेख किया गया। मंडलायुक्त ने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और इस दौरान अपर आयुक्त लखनऊ मंडल सीलधर यादव, संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मंडल के सिंह, डीएम अनु सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, एडीएम रामभरत तिवारी, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में वन विभाग ने जमानत राशि को लेकर आवेदन पत्र तलब किए हैं और अन्यथा की दशा में जमा धनराशि को विभाग के पक्ष में समायोजित कर लिए जाने की चेतावनी भी दी है। डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने कहा है कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक निजी कब्जे वाले पेड़ों को काटने के परमिट प्राप्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी आवेदक अपनी जमानत राशि 15 दिनों के अंदर प्राप्त कर लें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत संगठन अटेवा की बैठक का सिदौली में आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन की 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली महासंखनाद रैली में जाने की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान लखनऊ मंडल के संगठन मंत्री यश कुमार राठौर और जिला संयोजक अवनीश कुमार सहित विभिन्न ब्लॉकों से आए विभागों के प्रभारी और संयोजक मौजूद रहे। विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था से लगातार जूझ रहे गांजर के रामपुर मथुरा इलाके को बड़ी सौगात मिलने का काम मंगलवार से शुरू हो गया। यहां के रामपुर मथुरा स्थित विद्युत उपकेंद्र नए फीडर का निर्माण किया जाएगा। इसका शुभारंभ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के भाई रामेंद्र तिवारी ने किया। नया फीडर बनने से लाइनों का लोड बढ़ जाएगा, जिससे इस इलाके को सुचारू विद्युत आपूर्ति आसान होगी। कार्यदायी संस्था यूनिवर्सल कंपनी के मुख्य इंजीनियर ब्रह्मदेव सिंह ने बताया कि यह कार्य 2 करोड़ की लागत से होना है, जिसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फीडर बनने के बाद यहां पर कुल 4 फीडर हो जाएंगे और उस नए फीडर का सीधा लाभ क्षेत्र के 105 गांव में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस मौके पर महमूदाबाद के अधिशासी अभियंता जयप्रकाश, एसडीओ प्रदीप गोयल, जेई कामता प्रसाद, ठेकेदार बबलू सिंह, अनुज वर्मा, आलोक वर्मा, योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप वर्मा, सावन वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, जहीर, सुशील कुमार, श्यामू वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने एक बार फिर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस कड़ी में तंबौर के सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा को रेवसा सीएचसी भेजा गया है। उनके स्थान पर तंबौर सीएचसी पर तैनात डॉक्टर मनोज को तंबौर का सीएचसी अधीक्षक बना दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, बीए
MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के बरेज जलालपुर में बसपा कार्यकर्ताओं ने बसपा MLC भीमराव अम्बेडकर का स्वागत किया। वह शाह जलालपुर में आयोजित हो रहे कैडर कैंप में शामिल होने पहुंचे थे। इस कैंप का आयोजन बसपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार गौतम के दिशा निर्देशन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा MLC ने कहा कि हमें एकजुट होकर 2014 में बसपा की सरकार बनानी है और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। इस दौरान अजयपाल भारती, शैलेंद्र कुमार गौतम, प्रमोद भार्गव, प्रेम कुमार राजवंशी, सुधीर कुमार राजवंशी, स्वामी प्रसाद यादव, मुकेश बौद्ध, रमेश चंद्र, विमल कुमार गौतम, शत्रुघ्न लाल, रामसागर चौधरी, सुधीर कुमार, मनोज कुमार राजवंशी, पूजा नीरज चौधरी, रामू भारती, भगवान दीन, सुरेंद्र कुमार राजवंशी आदि लोग मौजूद रहे। अटरिया क्षेत्र के गनेरा गांव में 3 दिवसीय श्रीकृष्ण भागवत कथा का समापन भंडारे के साथ हुआ। इस मौके पर बाल रूप श्रीकृष्ण की भव्य झांकी का दर्शन कराया गया। कार्यक्रम में कथावाचक वेद प्रकाश शास्त्री, साहेब लाल यादव, योगेश यादव, गया प्रकाश, सुंदर लाल रावत, विपिन यादव, पूर्व प्रधान राजेंद्र यादव, राम शंकर रावत, महेंद्र यादव, घनश्याम यादव, लालजी मौर्य, खुशीराम मौर्य सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। SDM सिदौली राखी वर्मा के निर्देश पर कसमंडा CHC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने महोत्तेपुर में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कराया। बुखार फैलने की सूचना को लेकर पंचायत भवन पर आयोजित इस कैंप में मेडिकल टीम द्वारा ग्रामीणों का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार मरीजों के खून की जाँच की गई और फिर दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर सीमा ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग मच्छरदानी का नियमित प्रयोग करें, उबले हुए पानी को ठंडा कर पिए, साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें और बुखार आने पर सरकारी अस्पताल में ही जाँच कराकर दवाई लें। इस दौरान फूलपुर प्रधान फूलमित संदीप गुप्ता, स्टाफ नर्स सरिता यादव, शांति सिंह, फार्मासिस्ट प्रदीप यादव, रिजवान अली और शिवतेश यादव आदि मौजूद रहे। सीतापुर के पूर्व MLC भरत त्रिपाठी के पुत्र परीक्षित त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड की प्रबंध समिति का संचालक चुना गया है। बता दें, समाज सेवी और भाजपा नेता परीक्षित त्रिपाठी सीतापुर स्थित सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रबंध समिति सचिव भी हैं। उन्हें संचालक चुने जाने पर भाजपा व समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने बधाई दी है। सीतापुर में राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज द्वारा स्थापना दिवस और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समाज के जिलाध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम 24 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया जाएगा। सीतापुर के पहाड़ापुर स्थित हजारी लाल महाविद्यालय में BSc कृषि के तमाम छात्र मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में महाविद्यालय पर लापरवाही और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध किया है। सीतापुर के पिसामा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा दुबावा के प्रधान कुशाग्र दीक्षित ने अपनी कार्यशैली से एक बार फिर प्रदेश स्तर पर सराहना और सम्मान प्राप्त किया है। राजधानी के राज्य प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 ग्राम पंचायतों में से प्रथम 4 के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान पंचायती राज्य निदेशक ने इन ग्राम पंचायतों के कामकाज को सराहा और प्रोत्साहित किया। प्रधान कुशाग्र दीक्षित ने अपनी ग्राम सभा में अथव भारत फाउंडेशन के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र का कायाकल्प कराए जाने सहित अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसी क्रम में विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत बर्मी के प्रधान आरती देवी, विकासखंड लहरपुर की ग्राम पंचायत फैलातपुर प्रधान वसीम बानो और विकासखंड एलिया की ग्राम पंचायत कुरका की प्रधान दुलारी देवी ने भी बारी बारी अपने कार्यों को प्रस्तुत किया। पंचायती राज निदेशक द्वारा इन सभी प्रधानों को एक्सपोजर विजिट के लिए केरल या महाराष्ट्र भेजने का आश्वासन दिया गया। सीतापुर के पिसावा ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव और BDO प्रीति तिवारी ने 64 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर डिप्टी CM द्वारा इस योजना के प्रदेश स्तरीय शुभारंभ का लाइव टेलीकास्ट भी देखा गया। इस मौके पर वीरेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, अनूप कुमार, संजय वर्मा, राकेश मौर्य, कपिल, अनुराग मिश्र आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। सिधौली तहसील अंतर्गत ग्राम जुडौरा के ग्रामीणों ने कुछ असामाजिक तत्वों पर नहर काटकर उनके खेतों में पानी भर देने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने जुडौरा गांव के कुछ लोगों पर अवैध तरीके से नहर काटने का आरोप लगाते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
ब्लॉक कसमंडा परिसर में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चयनित दिव्यांग लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BDO मनोज कुमार शर्मा, जय REDC शिव कुमार पटेल, APO मनरेगा चंद्र प्रकाश द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। इस दौरान रवि प्रकाश सिंह, सहायक लेखाकार दिनेश राठौर, ग्राम सचिव नीतू वर्मा, अंशिका वर्मा, अभय प्रताप, दीपक, विवेक कुमार गुप्ता, दीप कुमार, दीपू मिश्रा, रश्मि यादव, सुशील कुमार, गणेश कुमार, सुधीर वाजपेयी, कुलदीप कुमार, कैलाश मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। कमलापुर गन्ना विकास समिति द्वारा सर्वे, सट्टा प्रदर्शन मेला और आपत्ति निस्तारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 19 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। कमलापुर SCDI डॉक्टर दीपशिखा और समिति सचिव माधवराम की अध्यक्षता में पहले दिन गन्ना किसानों की शिकायतें सुनी गई। इस दौरान 122 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 24 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। कार्यक्रम में गन्ना पर्यवेक्षक राम प्रताप रावत, विजय चौधरी, राम खेलावन, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, लीना पांडे, प्रियंका सिंह, अर्चना प्रधान, हैदरगढ़ चीनी मिल के सहायक गन्ना प्रबंधक अमरेंद्र प्रताप सिंह बघेल, रामगढ़ चीनी मिल के CDO ब्रजनंदन त्रिवेदी, मिल सुपरवाइजर मुरालीलाल, CP सिंह, विपिन दीक्षित, गोपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की काव्य गोष्ठी का आयोजन सीतापुर के तरीमपुर स्थित जागेश्वर निवास पर किया गया। यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता हास्य कवि KP मिश्रा के द्वारा की गई तथा संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यासीन इब्ने उमर ने संस्थान संस्थापक अनिल द्विवेदी को याद करते हुए हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति उनके प्रेम की सराहना की। इस अवसर पर AK मिश्रा, AP गौतम, तुषार मिश्र, गीता किशोर श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, GL गांधी, सुनीता यादव, लक्ष्मी देवी वर्मा, कन्हैयालाल शुक्ला, लोक कुमार, धीरेन्द्र धीरू, अरुण कुमार श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ब्लॉक मचरेटा के सभागार में क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा दिव्यांग लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने प्रधानमंत्री व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस बीच विधायक ने ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर भड़कते हुए कहा कि सही से काम नहीं किया गया तो कार्रवाई कराएंगे या ब्लॉक ही नहीं आओगे। इस मौके पर BDO अजीत कुमार यादव, ADO समाज कल्याण अमिताभ वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय भार्गव और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अर्चना सिंह सहित ब्लॉक के समस्त सचिव मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इसमें CM ने जिले के 11 बाल विकास परियोजना कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ DM महेंद्र बहादुर सिंह ने CDO अनिल कुमार सिंह के साथ किया। कार्यक्रम का संचालन DPO भारत प्रसाद ने किया। DM ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बच्चों को सुपोषित के साथ शिक्षित बनाने की भी जिम्मेदारी है। CDO अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य और अधिक समग्र समाज के लिए पोषण अत्यंत जरूरी है। DPO भारत प्रसाद ने कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान DM महेंद्र बहादुर सिंह ने CDO अनिल कुमार सिंह के साथ कुपोषित से सुपोषित श्रेणी में आने वाले बच्चों के 5 अभिभावकों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अलका अवस्थी, नीतू सिंह, आशा देवी, उमा रानी, अंजू रानी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पीरित कमल वर्मा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा रानी और मीरावती को 5,000 रुपये तथा सहायिका कैकसा यास्मीन को, नीलम देवी को 2,500 रुपए के प्रोत्साहन चेक प्रदान किए। लखीमपुर की खबरों में अब बात खबर के असर की। सट्टा प्रदर्शन मेले के दूसरे दिन गन्ना समिति एरा में किसी भी काउंटर पर खाद नजर नहीं आई। बता दें कि सट्टा प्रदर्शन मेले के पहले दिन भारी अव्यवस्थाओं के बीच किसानों को 170 रुपए की खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आई इंडिया ने इसे लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसका संज्ञान लेते हुए DCO वेद प्रकाश सिंह ने मातहतों को फटकार लगाई थी। मेले के दूसरे दिन गन्ना सर्वे की खामियों और तिपेड़ी गन्ने के सर्वे में शामिल को लेकर अधिक शिकायतें आई। लखीमपुर के जिला चिकित्सालय में सर्पदंश से जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता CMS डॉक्टर IK रामचंदानी ने। इस गोष्ठी में CMS डॉक्टर IK रामचंदानी ने बताया कि बरसात के महीनों में सर्पदंश के मरीजों की संख्या बढ़ती है। ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए जो शुरुआती सावधानियां चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को बरतनी होती है, उन्हें लेकर ही स्नैक बाइट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत गोष्ठी भी की गई है।
लखीमपुर की वन रेंज धौरारा में इन दिनों ऐसा आलम है कि मानो जंगली जानवर सैर पर निकल लिए हैं। आए दिन यहां की आबादी क्षेत्र में कोई न कोई खतरनाक जानवर दहशत की दस्तक देता है। वन विभाग की टीमें एक तरफ उस दहशत को खत्म कर पाती हैं कि फिर नई दस्तक के साथ दोबारा दहशत शुरू हो जाती है। मंगलवार को CHC धौरारा के पास भटक कर कहीं से मगरमच्छ का बच्चा आ गया। मगरमच्छ का बच्चा देख लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने आनन फानन में सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ दिया। वहीं इसी रेंज के गिरधारी पुरवा में अजगर मिलने की सूचना पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने अजगर को पकड़कर परसा जंगल में छोड़ दिया है। लखीमपुर की फरदान CHC पर आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया। MLC अनूप गुप्ता के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह और CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने इस मेले का निरीक्षण किया। इस कड़ी में जिले के सभी CHC और PHC पर आयुष्मान मेला आयोजित किया गया। फरदान पहुंचे MLC अनूप गुप्ता ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। कार्यक्रम को CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस दौरान CHC फरदान अधीक्षक डॉक्टर अमित वाजपेयी, DPM अनिल यादव, डॉक्टर VK शुक्ला, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर कृतिका, डॉक्टर प्रतिभा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब अंत में बात करेंगे यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की। गुरुजी गणित के वैदिक सूत्र सीखेंगे, इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयारी कर ली है। इस ट्रेनिंग को लेकर राज्य शिक्षा संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारीखें जारी कर दी हैं। बेसिक स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को गणित के वैदिक सूत्र सिखाने के लिए प्रयागराज में 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बार में 15-15 जिलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यह मास्टर ट्रेनर अपने अपने जिलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रशिक्षक चरणबद्ध ढंग से भाग लेंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।